नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनलिटी न्यूज चैनल में। नायब तहसीलदार गुलाम हसन ने की दारू अनंतनाग के बाजार की जांच, आई देखते हैं संवाददाता शेख नादिम की खास रिपोर्ट। नायब तहसीलदार गुलाम हसन ने की दारू अनंतनाग के बाजार की जांच। मार्केट चेकिंग के दौरान उल्लंघन करने वालों को 3,000 रुपये की राशि का जुर्माना तय किया गया। चेकिंग दस्ते ने वेजिटेबल वेंडरों से सड़ी सब्जियों तथा दुकानदारों और विक्रेताओं से पॉलीथीन को नष्ट कर दिया। नायब तहसीलदार ने बताया कि जो भी दुकानदार दोषी पाया जाएगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जारी रहेगी। हम तकरीबन हफ्तावार ऐसा मार्केट चेकिंग करते हैं और आज भी किया है। आज हमने 3,000 रुपया जुर्माना वसूल किया है और कुछ सब्जी है जो ऐसा राटन सब्जी थी वो हमने ज़ाया कर दी है और जो लिफाफे वगैरह है वो भी हमने जब्त किए हैं। साहब, क्या ये मार्केट चेकिंग आगे भी कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी या आज ही के दिन के लिए मखसूस है? ये आगे भी जारी रहेगी। तो क्या पैगाम मैसेज देना चाहते हो दुकानदारों को? दुकानदारों को चाहिए कि वो जो एक्सपायर कमोडिटीज है वो उनको खुद बजाय खुद जाया करें और जो लिफाफा है वो भी। से एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि अवामी हलकों का मानना है कि साल भर में या तो मुसलमानों के 2 त्योहारों पर चेकिंग स्क्वाड नजर आ रहे हैं या फिर जब कोई इस बीमारी का वाका रोनमा होते हैं इलाके में तब जाके चेकिंग स्क्वाड बाजार में दिखती है, क्या वजह है? नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम मार्केट चेकिंग करते हैं, खासकर ऐसा जो बड़े दिन है, बड़े त्योहार है उसमें भी वो करते हैं।